हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताऊंगा कैसे आप पीएफ में से यहाँ पे एडवांस अप्लाई कर सकते हो। आप कैसे, आपको प्रोसेस फुल डिटेल्स में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है यूएन होम। देन यहाँ पे जैसे सर्च करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो मेंबर होम के। तो मेंबर होम पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ईपीएफओ की यहाँ पे ऑफिशियल पेज आपके सामने आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो आपकी यूएन नंबर और आपकी पासवर्ड यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो आपकी यूएन नंबर पता होना चाहिए और आपकी पासवर्ड को भी पता होना चाहिए। देन यहाँ पे कैप्चा टाइप करना है, यहाँ पे आपकी साइनिंग करना है। तो आप अगर अपने पासवर्ड को भूल चुके हो तो यहाँ पे देख सकते हो फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपना यूएन नंबर को टाइप करना है, यहाँ पे कैप्चा टाइप करना है। देन आपकी जो आधार कार्ड पे जो बेसिक डिटेल्स उसे आपको फिल करना है। देन अपना पासवर्ड को रिसेट कर लेना है। तो आप अगर पहली बार इसे यूज़ कर रहे हो तो अपने अगर यूएन नंबर को आप यहाँ पे एक्टिवेट करना चाहते हो तो आप नीचे की तरफ आपको आना है। यहाँ पे देख सकते हो एक्टिव यूएन। तो एक्टिव यूएन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी यूएन नंबर आपको टाइप करना, आधार कार्ड नंबर, आपकी आधार कार्ड पे जो सेम नेम होगा नेम को टाइप करना, डेट ऑफ बर्थ को, देन आपके मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपकी यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आपका आधार कार्ड से लिंक होगा सेम मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे वो टाइप करना है। यहाँ पे कैप्चर को टाइप करना है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, गेट आपकी ऑथेंटिकेशन पिन। तो आप जैसे क्लिक करोगे तो आपकी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, आपकी एक पिन आएगा, आपको उसे फिल करके इसे एक्टिवेट कर लेना है। देन आपकी मोबाइल पे आपकी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तो आपको पासवर्ड मिलने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हो आपके पास अगर ऑलरेडी है या तो अभी अभी जस्ट आपकी रिसीव हुआ है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अपना यूएन नंबर को टाइप करना है, यहाँ पे पासवर्ड को टाइप करना है, कैप्चा टाइप करना है, यहाँ पे साइनिंग बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं सारे यहाँ पे देख सकते हो पूरे चीज़ को यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पूरे चीज़ को यहाँ पे फिल कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कैप्चर को भी फिल कर दिया, यहाँ पे साइनिंग बटन में क्लिक करूंगा तो अपना जो लिंकेड मोबाइल नंबर होगा आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी को हमें यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे मैं ओटीपी को फिल कर देता हूँ, देन यहाँ पे कैप्चर को मैं टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ओटीपी फिल कर दिया, कैप्चर फिल कर दिया, यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लॉगिन होकर आ जाएगा। तो अपना यहाँ पे जो पासवर्ड है वो यहाँ पे एक्सपायर कर गया है, जरूरी नहीं कि आपकी भी सेम शो हो। तो यहाँ पे मैं एक बार अपना पासवर्ड को यहाँ पे मैं रिसेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपने यहाँ पे जो ओल्ड पासवर्ड है ओल्ड पासवर्ड को यहाँ पे टाइप कर देना है। देन यहाँ पे न्यू पासवर्ड आपको रखना है। देन आपको न्यू पासवर्ड को कंफर्म करना है। देन यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। देन यहाँ पे देख सकते हो गेट आपके आधार ओटीपी आपको इसी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा रहा है आर यू श्योर यू वॉन्ट टू चेंज, तो आपको ये ओके पे आपको क्लिक करना है। देन आपकी जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी आएगा, आपको यहाँ पे ओटीपी को फिल करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो तो ओटीपी सेंड हो चुका है, हमें यहाँ पे सिंपली ओटीपी को यहाँ पे फिल करना होगा। देन अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे अपडेट सॉरी आपकी जो यहाँ पे न्यू पासवर्ड है यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपना जो ओटीपी ओटीपी यहाँ पे मैंने फिल कर दिया, यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज हो जाएगा और सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अपना यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे पासवर्ड जो चेंज हो चुका है। तो सिंपली हमें दोबारा से यहाँ पे एक बार लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि हमने अभी अभी यहाँ पे पासवर्ड को चेंज किया है। तो यहाँ पे क्लिक है लॉगिन, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे अपना ओटीपी टाइप करके पूरा चीज़ों को एक बार मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो जब आपकी यहाँ पे यूएन यहाँ पे लॉगिन हो जाए, लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो आपके इस डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो अपना केवाईसी को आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। तो केवाईसी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो मैनेज पे आपको आना है। मैनेज पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो केवाईसी, तो आपको केवाईसी पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हो आपकी केवाईसी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जहाँ पे आपके बैंक डिटेल्स आपके पैन कार्ड डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होगा। आपके आधार कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे वेरीफाइड होता है क्योंकि आपके आधार कार्ड के थ्रू ही अभी के टाइम पे आपके यूएन नंबर एक्टिवेट होता है, तो इसलिए आपके आधार नंबर यहाँ पे शो नहीं होगा। यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके पैन कार्ड डिटेल्स पे आपके शो हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे स्टेटस पे आपके अप्रूव्ड होना चाहिए। जब तक आपकी ये दो चीज आपकी यहाँ पे नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे अपना पीएफ के लिए आपको एडवांस के लिए आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपकी केवाईसी यहाँ पे होना ही चाहिए, आपके बैंक अकाउंट और आपके पैन कार्ड। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पे केवाईसी करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर अपने बैंक अकाउंट ऐड करना है तो यहाँ पे बैंक पे क्लिक करके अपना बैंक डिटेल्स को भरना है, और पैन कार्ड अगर ऐड करना है तो पैन जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे तो पैन डिटेल्स को भर के आपको ओटीपी फिल करके देन इसे केवाईसी के लिए रखना है। देन आपकी जो कंपनी होगा कंपनी केवाईसी करेगा, देन यहाँ पे अप्रूव्ड होके आपकी यहाँ पे सेम यहाँ पे शो हो जाएगा।
तो अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ क्लियर है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन सर्विस पे आना है। यानी यहाँ पे देख सकते हो क्लेम आ रहा है, क्लेम फॉर्म आपके 31, 19, 10C, 10D सब कुछ यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। तो हमें एडवांस के लिए यहाँ पे फॉर्म 31 हमें यूज करना है। तो यहाँ पे क्लेम बटन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो अपना क्लेम फॉर्म की इतने सारे आपके ऑप्शन आ रहे हैं, पर यहाँ पे आपके 31 ही आपको यहाँ पे फिल होगा। तो मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर को आपको टाइप करना है, तो सेम अकाउंट नंबर को आपको टाइप करना है जो आपके KYC हो रखा है। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, बाकी आपके पूरा डिटेल्स पहले ही आ जाता है यहाँ पे, आपकी नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपके आधार कार्ड, पूरा डिटेल्स आपकी यहाँ पे फिल होकर आ जाता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली अपना अकाउंट नंबर को एक बार वेरीफाई कर लूंगा। यहाँ पे देख सकते हो आपकी टर्म एंड कंडीशन को आपके यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। देन यहाँ पे देख सकते हो अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, ग्रीन कलर के टिक आ चुका है। तो यहाँ पे आपकी जो करंट आपकी पासबुक होगा, पासबुक नंबर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग करंट वाला यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको सिंपली पॉजिट फॉर आपके ऑनलाइन क्लेम पे आपको क्लिक करना है। तो ऑनलाइन जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देख सकते हो तो विड्रॉल आपकी फॉर्म आपके यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो PF विड्रॉल, आपकी PF एडवांस, आपकी पेंशन विड्रॉल। तो आपको ओनली अभी के टाइम पे अगर आपकी यूएन नंबर एक्टिवेट है तो आप एडवांस ही खाली निकाल सकते हो। तो एडवांस निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो एडवांस PF आपकी फॉर्म 31 की ओनली आपकी ऑप्शन आ रहा है, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा डिटेल्स पहले आपके सामने यहाँ पे आ जाता है, आपकी मोबाइल नंबर, आपकी यूएन नंबर, आपकी नेम, आपके पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ आपकी ज्वाइनिंग। तो अपने यहाँ पे देख सकते हो आपके एडवांस के लिए अपने अप्लाई कर दो, तो फॉर्म आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सिलेक्ट सर्विस को आपको यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो कंपनी होगा, जितने भी कंपनी होगा आपकी यहाँ पे शो हो जाएगा, जो करेंट कंपनी होगा या तो जिस कंपनी से आप यहाँ पे PF का ओपन यहाँ पे एडवांस निकालना चाहते हो उस कंपनी को आपको यहाँ पे अगर दो शो हो रहा है तो आपको दो में से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है जहाँ से आपको एडवांस अप्लाई करना है। तो मेरा ऑल ये यहाँ पे देख सकते दो शो हो रहा है आपके, हो सकता है आपके उसमें एक ही हो, तो यहाँ पे देख सकते दो कंपनियों ने यहाँ पे काम किया तो दो पासबुक यहाँ पे शो हो रहा है। तो जिस कंपनी में आपको यहाँ पे अगर आपके पास भी दो हो तो जिस कंपनी से आपको एडवांस को अप्लाई करना है उस कंपनी को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ यहाँ पे देख सकते हो आपकी रीजन यहाँ पे बताना होता है किस रीजन की वजह से आप यहाँ पे एडवांस को अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके लिए चार ऑप्शन मिल रहा है, तो इन चारों में से जो आपके रीजन होगा उस रीजन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ना नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आपकी यहाँ पे बताया जा रहा है एडवांस अमाउंट, आपकी रिक्वायर्ड जो अमाउंट है अमाउंट कितना आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप जो भी अप्लाई करना चाहते हो उस अमाउंट को आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो आपकी एडवांस में यहाँ पे जो आपकी साइट का बैलेंस होगा आप उतना ही बैलेंस यहाँ पे आप इसे अप्लाई कर सकते हो एडवांस के लिए। तो आपकी साइट के मीन्स कि आपकी जो एम्प्लॉय वाला साइट होगा और आप उसी साइट को आप यहाँ पे एडवांस को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपकी एम्प्लॉय वाला आप इसे एडवांस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपकी पेंशन वाला भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको तो अपने पासबुक ओपन करके आपको चेक कर लेना है कि आपकी यहाँ पे पासबुक में आपकी साइट की और आपकी जो एम्प्लॉय साइट और यहाँ पे कितना अमाउंट है, उस अमाउंट के हिसाब से आप इसे आपको यहाँ पे रिकॉर्ड अमाउंट पे आपको अमाउंट को भरना है। तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले मैं एक बार मैं पासबुक यहाँ पे मैं ओपन नहीं, अभी ओपन नहीं होगा, जस्ट मेरा यहाँ पे अभी मैंने पासवर्ड रिसेट किया तो अभी ओपन नहीं होगा। आपकी पासवर्ड रिसेट करने की 6 घंटे के बाद ही आप यहाँ पे अपना पासबुक को चेक कर सकते हो। तो मुझे ऑलरेडी पता है, तब भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ आपको कहाँ से चेक करना है अपने पासबुक को। तो आपको न्यू टैब ओपन कर लेना है, यहाँ पे गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है आपकी PF पासबुक भी, अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे तो भी आपके आ जाएगा। आप देख सकते हो जैसे PF पासबुक लॉगिन, जैसे आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो मेंबर पासबुक के सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे अपना यूएन नंबर को आपको टाइप करना है, यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो पासवर्ड है पासवर्ड को आपको टाइप कर देना है। देन यहाँ पे कैप्चर को टाइप करना है। देन यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपकी यहाँ पे पासबुक शो हो जाएगा। तो आपके पासबुक पे जो आपकी इम्प्लॉय साइट होगा आप ओनली अपने इम्प्लॉय साइट को ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इस साइट पे आके आप अपना पासबुक को यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो मुझे ऑलरेडी पता है कि हमें कितना यहाँ पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं अमाउंट को यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अमाउंट फिल कर दिया, यहाँ पे आपकी जो एड्रेस है एड्रेस को आपको फिल कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो आपकी कैंसिल चेक या तो आपकी पासबुक को यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो 100 KB के नीचे नहीं होना चाहिए, 100 KB के ऊपर होना चाहिए। आपके मैक्सिमम पे यहाँ पे 500 KB इसके ऊपर नहीं होना चाहिए।
तो आपको एक एक आपकी रिसाइज करके आपको फोटो को यहाँ पे आपको रख लेना है। तो यहाँ पे जैसे चूज फाइल पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक फोटो या तो अपना चेक की फोटो या तो आपकी पासबुक की फोटो को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं एक बार अपना चेक की फोटो यहाँ पे मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिया। यहाँ पे व्यू पे ऐसे आप क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे शो भी हो जाएगा जो भी पासबुक, या तो आप यहाँ पे कैंसिल चेक आप यहाँ पे अपलोड करोगे तो यहाँ पे आपकी शो हो जाएगा। आप अगर देखना चाहो तो फिल अब व्यू पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे सब कुछ मेरा फिल हो चुका है। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो तो नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आके आपको सिंपली एक बार चेक कर लेता हूँ तो सब कुछ फिल हो रखा है। तो यहाँ पे सिंपली आपको नीचे की तरफ आके यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है, इस टिक पर आपको टिक कर देना है। देन यहाँ पे देख सकते हो गेट आधार ओटीपी, जैसे गेट आधार ओटीपी पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी आधार कार्ड से लिंकेड जो मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी को यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे मेरा ओटीपी आ चुका है, देख सकते हो मेरा ओटीपी यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। यहाँ पे सिंपली हमें वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा तो अपने सामने यहाँ पे सबमिटिंग स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हो ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट इज सबमिटिंग एट पोर्टल, तो यहाँ पे पोर्टल पे सबमिटिंग स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जब सक्सेसफुल आ जाएगा तो आपकी यहाँ पे सक्सेसफुल दिख जाएगा, देन अपना ट्रैक पे जाके आप इसे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो अपना जो पीएफ एडवांस की, यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड, ईक्यूआईसी अपडेट एंड पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म आपके सबमिटेड सक्सेसफुल ऑन आपकी यूनिफाइड आपकी पोर्टल पे सबमिट हो चुका है। तो आपके यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी यहाँ पे एक रिसीव मिल जाएगा जहाँ पे आपके पूरा डिटेल्स आ जाएगा आपके एडवांस की, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी यूएन नंबर, आपकी नाम, पैन कार्ड नंबर, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, पूरा पूरा चीज आपको यहाँ पे आ जाएगा। जो भी आपने पासबुक या तो कैंसिल चेक लगाए होंगे वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको अगर इससे अगर ट्रैक करना है, ट्रैक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन सर्विस आपके ऑप्शन आ रहे हैं, ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो ट्रैक क्लेम स्टेटस, तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो जस्ट मैंने अभी यहाँ पे अप्लाई किया, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट आपकी जो सबमिटेड एट पोर्टल यहाँ पे आपकी शो हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो अपना सबमिट हो चुका है अपना जो ईपीएफओ में, तो ये 2 से 3 दिन के अंदर अपना बैंक अकाउंट में आ जाएगा। देन यहाँ पे अपना करंट स्टेटस पे आपके यहाँ पे सेटल्ड शो हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।